नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत आपका स्वागत है आपके इस अपने चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या कि जो आपका बिहार एसआई का पेपर हो रहा है उसका कुछ सिलेबस को जो भी हम लोगों को पढ़ना है उसके बाद एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो देखिए, तो मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कराया था आपको कि जो भी बिहार एसआई का पेपर होगा किस तरह से होगा। तो पहले प्री होगा, मेंस होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद आपसे मेडिकल होगा, ठीक है। यानी कि चार तरीके से आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप बिहार एसआई के लिए सिलेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैंने दो वीडियो मतलब दो एग्ज़ाम के लिए मैंने वीडियो प्रोवाइड करा रखा है कि प्री और मेंस में किस तरह से किस पैटर्न से एग्ज़ाम होता है, कितने मार्क्स आते हैं। फिर भी मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता दूंगा कि किस तरह से आता है। तो देखिए, सबसे पहले आपका प्री जो होगा एग्ज़ाम वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, उसके बाद मेंस भी होगा। तो प्री में आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स रहेगा, ठीक है, जिसमें जनरल नॉलेज और करंट इवेंट्स। और हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि जनरल नॉलेज से किस तरह से क्वेश्चन आएगा और करंट इवेंट्स से। तो ये आपका सिलेबस का पार्ट है, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यही, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट जो आपका मेंस होगा, मेंस में देखिए दो पेपर होगा, उसमें से आपका पहला जनरल हिंदी होगा, उसमें से आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जिसका रियल वेबसाइट वहाँ से आप देख सकते हो सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सेकेंड एग्ज़ाम जो आपका होगा वो होगा इंडियन हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी, यानी कि 100 क्वेश्चन इसमें से भी रहेंगे, आपका 200 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो ये आपका पूछा जाएगा। अब हम लोग इसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं। देखिए, इसका सिलेबस क्या है, सबसे पहले जो प्री में होगा आपका जनरल नॉलेज एंड करंट इवेंट्स, तो उसमें से जो भी सिलेबस से आपका जो रिक्वायर्ड होगा वो आपका कल्चर एंड रिलीजन, सॉइल, रिवर्स, माउंटेन्स, पोर्ट्स, आइसलैंड एंड जो भी आपका जो भी टॉपिक ये मैंने दे रखा है यहाँ पे, उससे बाहर का आपका एक भी पैटर्न नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पे दे रखा है। और उसके बाद देखिए, आपका जनरल हिंदी से जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो भी मैंने दे रखा है कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कंप्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट वगैरह जो भी मैंने यहाँ पर दिया है उसको आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब जनरल स्टडीज से जो क्वेश्चन आएंगे वो भी मैंने यहाँ पे दे दिया, किस तरह से आपसे पूछे जाएगा, जैसे कि इंडियन पॉलिटी हो गया, करंट इवेंट्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, तो जो भी यहाँ पे मैंने दे रखा है, इंटरनेशनल इवेंट्स, बैंकिंग, स्पोर्ट्स, जो भी दे रखा है आपको इसी सब टॉपिक से पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत ही मोस्टली मैंने दिया है, ओके। अब देखिए, आपका जो जनरल साइंस से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसमें से मैंने दे दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है बायोलॉजी फ्रॉम द लेवल ऑफ 12th स्टैंडर्ड, मतलब कि आपका 12th स्टैंडर्ड तक बायोलॉजी का क्वेश्चन आ सकता है इसमें, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, सिलेबस के पार्ट से ही स्टडी करें, आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। और उसके बाद देखो, आपका जो मेन पार्ट होता है इंडियन सिविक्स हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जो मैंने वहाँ पे दे रखा था टायर टू में आपका पूछ रहा था, तो इससे भी जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि आपका मैं बता दूँ, क्वेश्चन ऑफ सोशल स्टडी, उसके बाद पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ बिहार, इससे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो जो भी आपका इससे रिलेटेड है मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप आसान अपने आराम से नोटबुक पे नोट करें और उसके बाद इसी सारे टॉपिक को पढ़ें, जरूर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद मैथमेटिक्स से देखो, आपका जो क्वेश्चन आएगा मैंने यहाँ दिया है मैथमेटिक्स के लिए, मैं आपको इसी वीडियो पे प्रोवाइड कराऊंगा सारे चैप्टर का सॉल्यूशन, विद इन 5 एंड 10 सेकेंड में आपको सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, टाइम एंड वर्क, एवरेज परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, स्पीड और एज, मतलब जो भी आपको रिलेटेड रहेगा मैथ से, ग्राफ, उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन, तो इससे रिलेटेड जो भी रहेगा मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसी चैनल पे, ठीक है। और ऐसे कि मैंने परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस का वीडियो इस पे डाल रखा है, तो वहाँ से आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो किस तरह से मैंने आपको पढ़ाया, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट होगा बिहार एसआई के लिए, तो वो मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड, ये सब सारी चीज़ें मैं आप करा दूँगा, ओके। अब देखिए, उसके बाद आपका जो मेन पार्ट बचता है कि मेंटल एबिलिटी, जो रीजनिंग का पार्ट बचता है, उसमें से भी देखिए आपका जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, सॉल्विंग एनालिसिस, वर्बल, नर्बल, जो भी रिलेटेड रहेगा उससे मैंने यहाँ पे डाल दिया, इस बस इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ओके। उसके बाद आपका जो फिजिकल एलिजिबिलिटी और मेडिकल बचता है, मैंने एग्ज़ाम के लिए आपको बता दिया किस तरह से होगा, ठीक है। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी के लिए मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा, देन उसी में साथ में मैं मेडिकल को भी डिस्कस कर दूँगा कि मेडिकल में क्या क्या होने चाहिए, कितने हाइट, चेस्ट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो सारे मैं फिजिकल एंड मेडिकल में डिस्कस कर दूँगा, ओके। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देन मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।